हिंदुस्तान ने बहुत मुझे प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। ऑनेस्टली मुझे मीडिया उन्होंने सिखाया। मैं 4-5 साल की उम्र तक चल नहीं सकता था, क्रॉल करता था। मेरे फ्लैट फीट हैं, मेरे बाजू हाइप एक्सटेंशन है। डू वॉच अ शो एंड आई वांट टू शेयर दिस ऑन माय कम्युनिटी टू। चार साल की उम्र तक तो वो चल नहीं सकते थे, लेकिन उसके बाद वो ऐसा दौड़े कि वो किसी के हाथ नहीं आए। क्रिकेटिंग आइकॉन तो वो हैं, उनका रिकॉर्ड अभी तक बॉलिंग में किसी ने नहीं तोड़ा। लेकिन आज उनसे ऐसी बातें करेंगे जो आप सुनना चाहते हैं और आपने आज तक उसके जवाब शायद नहीं सुने। आइए मिलते हैं शोएब अख्तर से, द मैन, द हस्बैंड, द फादर एंड द पाकिस्तानी सिटीजन। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपको शोएब कह सकती हूँ? जी हाँ, मैं आपको मीरा सेठी जी कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, हेलो मीरा सेठी जी। हेलो शोएब, थैंक यू सो मच आपने मुझे वक्त दिया। मैं पहले भी मिलना चाह रहा था आपसे। अच्छा, पीएसएल पे टाइम दिया आपने? पीएसएल पे मैं आपको ढूंढ रही थी, आप मुझे कहीं नजर नहीं आए। नहीं, आप किसी के साथ थी ना, जिस शादी हो रही थी, आपकी मंगनी हो चुकी थी। मंगनी हो चुकी थी, फिर मैंने आई मेट यू वंस ओवर हियर। Oh, yes. Yes, with your husband. And then you disappeared to California after living a beautiful life. Wow. And living a wonderful house and a wonderful mother. You've done your research. And a wonderful father. You've done your research. I'm impressed. You're my first guest जिसको पता है कि मैं आधा वक्त कैलिफोर्निया में होती हूँ। जो बोल रहे हैं पता था। मुझे एक बात बताएं। जी। आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? जब लोग कहते हैं नो, तुम नहीं कर सकते, वहाँ से। और जब स्टार्टिंग ऑफ माय लाइफ, जिंदगी ने यह कहा कि चल नहीं सकते। मैं 4-5 साल की उम्र तक चल नहीं सकता था। आई वाज लिटिल डिसेबल्ड। आप मतलब क्रॉल करते? क्रॉल करता था। मेरे फ्लैट फीट हैं, मेरे बाजू हाइप एक्सटेंशन है। ओह। और मुझे लगती रहती है मैं बड़ा क्लमजी हूँ। मेरी टांग देखें सारी छिली हुई है। अच्छा। सो आई एम वेरी क्लमजी। सो अभी तक बड़ा क्लमजी हूँ। तो लाइफ ने कहा नहीं, ये नहीं चल सकता। एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग, I started falling, then I started running, ये सारे metaphors हैं आपकी ज़िंदगी के लिए। So ज़िंदगी का start नो से होता है और इस्लाम का भी start ला से होता है, इसका मतलब नहीं। So अब मैं आपको वो साइड बताऊंगा जो आज से पहले किसी ने सुनी नहीं है। वो साइड बताऊंगा। तो बताएं। मैं आपको, मैं थोड़ा सा हाफ डेमोक्रेटिक हूँ, हाफ लिबरल हूँ, आधा मौलवी हूँ, आधा लिबरल हूँ, आधा लेफ्टिस्ट हूँ, आधा राइटिस्ट हूँ। मिक्स एंड मैच, लेकिन कंफ्यूज नहीं। लेकिन मुझे बताएं कि आपकी जो लेफ्टिस्ट टेंडेंसीज हैं, वो कहाँ उनका रुझान पाया जाता है, जरा बताएं ना। यार, आई वोंट लेट पीपल टू लिव अदर पीपल, लेट देम ब्रीद, लेट देम हैव अ स्पेस। बिल्कुल, उनको जगह दो यार, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लेडीज। और जो इतना अनफॉर्चुनेट वाक्या हुआ रिंग रोड पर, दिल टूट गया यार, गुस्सा आ गया, बड़ा शदीद गुस्सा है मुझे। आपने कुछ कहा? बड़ा शदीद गुस्सा, मैं इतना गुस्से में मैं कुछ कहूँ ना मेरा तो मैं बहुत बदकलामी करूँगा। सही। और जितने भी इसको कंडेम किया जाए, दिस इज लेस। और मुझे बच्चों का बार बार, 2 साल बच्चों का ख्याल आ रहा है, खातून का ख्याल आ ही जा रहा है। यार, अलोन वुमन इज नॉट अपॉर्चुनिटी, इज टू बी रिस्पेक्टेड। मौका नहीं है अकेली औरत। बिल्कुल। इज्जत। और फिर सीसीओ साहब कह रहे हैं कि आप रात को क्यों निकली, मतलब उनका ये तो अपोलोजिस्ट बिहेवियर हो गया ना। आपने उनसे बात करनी थी जो विक्टिम थे, वो पब्लिक में नहीं कहना चाहिए था उनको, लेकिन वो डिडंट गो डाउन दैट वेल एंड ही हैज टू अपोलोजाइज। बट अगेन यार, क्या मतलब, पेट्रोल खत्म हो जाए तो कोई औरत बाहर नहीं निकल सकती। दुरुस्त। कोई बाहर नहीं जा सकती, कोई काम नहीं कर सकती, हैरेसमेंट 50 औरतों की मैंने जान छुड़ाई हुई कॉर्पोरेट सेक्टर से। अच्छा। एक फोन कर रही है, भाई मुझे ये तंग कर रहा है, मुझे वो हरास कर रहा है। किस किस्म की हरासमेंट यार मेरा? आप यहाँ बाहर निकलो, नजरों से हरासमेंट करते हैं, बाजार में जाओ तो हाथ लगाते हैं। शोएब, इसका हल क्या है? इसका हल हम लोग बात करें, बिल्कुल प्रोटेक्ट करें, बिल्कुल, और एनवायरनमेंट दें। और एनवायरनमेंट देना पड़ेगा आपको, खवातीन को। आपने कहा ना कि आप लेफ्टिस्ट हैं और आप लिबरल हैं। इस मुल्क में हमें लिबरल्स कम कहते हैं लोगों को। मैं तो खैर अपने आप को शायद लिबरल भी नहीं कहती, मैं भी प्रोग्रेसिव कहती हूँ। प्रोग्रेसिव, बिल्कुल प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो लिबरल्स कम कहते हैं और लिबरल माफिया, और
लिबरल का मतलब सिर्फ ये है कि आप आपकी सोच ये है कि यू लिव एंड लेट लिव, जैसे आपने कहा आप किसी के ऊपर हावी नहीं होते और आप कहते हैं आप अपनी जिंदगी जिए और हम अपनी जिंदगी जीते, बस इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली. बेसिकली इट्स द बेसिक द कोड ऑफ इस्लाम, लेट देम लिव. इब्रानी भी काम करते थे, ईसाई भी करते थे, यहूदी भी एग्जिस्ट करते थे, और मौला अली भी काम करते थे यहूदी के पास. तो क्या हो गया भाई, तो हम इतना क्यों वो अपने आप को सीरियस समझना शुरू हो गए, अपने आप को ये कहना शुरू, वो गलत है, ये ठीक है, ये ठीक है, वो गलत है. देखिए मुझे, मैंने चारों सेक्ट के साथ काम किया हुआ है, अलहदीस के साथ किया हुआ है, तशी के साथ किया हुआ है, जो बंद वहाबियों के साथ किया हुआ है, राय फंड वालों के साथ, बेसिकली मैं खुद सुन्नी हूँ, नक्शबंदी हूँ. तो मैं उनके सेक्ट समझना चाह रहा था, सेक्ट हैं क्या, वॉट इज देयर, शिकायतें क्या हैं, कंप्लेंट्स क्या हैं. तो मैं बड़ा उसमें घुसा, मैं देखा सारा, एंड में रास्ता एक ही मिलता है, पगडंडियां जो मर्जी उठा लें. आपको इतना इंडिया में प्यार मिला और मिलता है, हालांकि हालात अब काफ़ी ख़राब हो गए उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने एक मतलब एक लड़ाई पकड़ी हुई है, यू नो ऑनेस्टली लाइक, बट आपको बहुत प्यार मिलता है. एंड यू नो शुएब, मैं तो क्रिकेट को थोड़ा बहुत फॉलो करती हूँ, इतना नहीं करती जितना शायद लोग समझते हैं मैं करती होंगी. यू ऑलवेज बिन एन एडवोकेट ऑफ नॉर्मलाइजिंग रिलेशंस विद इंडिया, शुरू से आप कहते हैं, और ये इतनी खूबसूरत बात तो है, बट ये इतनी ह्यूमेन बात है, यू नो इट्स सच अ ह्यूमेन थिंग. आप ये जो कहते आए हैं, क्या है इसका रीज़न, व्हाई डू यू थिंक रिलेशंस विद इंडिया शुड बी नॉर्मलाइज्ड? पहले बचपन की स्टोरी बाद में सुनाता हूँ, ये बात कर लेते हैं. मैं 5-6 साल, आई मीन प्रॉब्ली आई बी लकी टू इनफ टू बी अ कपल ऑफ पाकिस्तानी, फ्यू पाकिस्तानी हैज बीन लव्ड दिस मच इन हिंदुस्तान, डिस्पाइट द फैक्ट यू नो कि हमारे रिलेशनशिप बहुत ख़राब है. जी मैं जब वहाँ गया तो मैं 5 साल उन्होंने वहाँ पे काम किया. ऑनेस्टली मुझे मीडिया उन्होंने सिखाया, सच्ची बात. अच्छा. मुझे मीडिया उन्होंने सिखाया, मुझे बात करना उन्होंने सिखाई, पंक्चुअलिटी सिखाई, काम कैसे करते हैं, टैक्स कैसे देते हैं, टैक्स चोरी नहीं करते. तो मैं वैसे भी नहीं करता था. मैं प्रॉब्लम, मैं और मेरे ख्याल इमरान खान दोनों ऐसे हैं जो मेरे ख्याल 95 से टैक्स पेयर हूँ या 96 से टैक्स पेयर हूँ, मैं हमेशा अपना टैक्स क्लियर रखता हूँ, चोरी पर यकीन नहीं करता, मैं ज्यादती पर यकीन नहीं करता. तो जब मैं वहाँ गया तो हिंदुस्तान ने बहुत मुझे प्यार दिया, बहुत प्यार दिया. पहले दिन मैं गया तो कुछ लोग डरे हुए थे स्टार स्पोर्ट्स में, यार ये आ गया है, अल्लाह रहम करे. तो किसी ने, मैं नाम नहीं लेता, किसी ने कहा सर कि दो कॉम बॉक्स में दो माइक रखते हैं. मैं क्यों दो, क्यों एक काफ़ी नहीं होता? कहते नहीं सर, एक तो आप सर पे तोड़ेंगे ना, तो दूसरा आप दूसरे से काम करें. तो मैंने ये किसने कहा? उन्होंने कहा बस सर हमें ऐसी रिपोर्ट है. मैं यार चलो काम करके देख लेते हैं, आपकी रेप्यूटेशन नहीं बनाई गई है. तो जब उन्हें काम किया गया तो उन्होंने कहा भाई अगर आप 3 महीने हमारे साथ और रुक जाएं, मैं रुक जाता हूँ. 3 महीने के बाद 6 महीने और रुका, 6 महीने के बाद मुंबई, ऑल द वे. सो मैंने बहुत ट्रैवल किया इंडिया, मैं आपको बताता हूँ. तो मैंने जब 6 महीने काम किया, उन्होंने कहा भाई अगर 1 साल काम कर लें हमारे साथ. तो मैंने कहा आपको तो लगता था यार मैं बड़ा डेंजरस आदमी हूँ, मैं तो प्रटेंड कर रहा हूँ पिछले 10 महीने से. आई मीन डेंजरस आदमी, वो बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ सलमान खान प्रोबेबली स्टिल आर. मैवरिक. अच्छा ठीक है. सो आई डू थिंग्स इन माय स्टाइल. लोगों को लगता है शायद ऑड है, डिफरेंट है. आई थिंक आपका स्टाइल इतना खुला है कि दूसरा बंदा फौरन फिर डिसार्म हो जाता है, बिकॉज़ प्रीटेंस नहीं होता ना, यू आर हु यू आर. आई डोंट नो, माय पर्सनालिटी थ्रेटन अदर पीपल जब मैं मिलता हूं तब. जी अदरवाइज एक्सटीरियर इतना सख्त है, लगता है शायद ये बहुत वो होगा. जब 10 महीने गुजर गए तो कहते हैं भाई आप प्रटेंड तो नहीं कर रहे, जेन्युइन तो हैं, तो ये परसेप्शन आपके सारे आपके बारे में गलत है. टाइम पे आप आते हैं, तो आप 365 दिनों में से अब 200 दिन काम करेंगे हमारे साथ? मैं कर लूँगा यार, पैसे मिल रहे हैं. 50 से 100 से 265 फिर लास्ट मेरा ये तो 250 दिन का काम था हिंदुस्तान में अलोन. तो उन्होंने कहा यार आपका पैन कार्ड बनवा देते हैं, घर वापसी कार्ड बनवा देते हैं. मैं कहा यार भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे जाने दो, मुझे शादी भी करनी है, तुम्हारे वैसे मेरे बच्चे भी नहीं हो रहे, क्योंकि मैं घर जाऊँगा तो बच्चे होंगे ना, शादी होगी तो प्लानिंग द फैमिली, अब मैं घर आऊँगा तो प्लान होगा ना. तो तो मेरी बेगम, मैं स्टार स्पोर्ट्स से दिला करता था मेरे बच्चे आपके वैसे लेट हो रहे हैं, जोक. बट अगेन इट वॉज अ फैबुलस जर्नी, ग्रेट पीपल आई मेट क्रॉस, उनके कोई इशूज नहीं है, नॉर्मल बंदे का कोई इशू नहीं है. वो कहता है भाई हमें लाहौर आना, वो हमने हमने बसों पे लगाया, और नसीर साहब और ओमपुरी साहब और ये सब आए भी हुए हैं. और वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल दैट आई मेट अक्रॉस इंडिया, नाइसेस्ट पीपल. जी मैंने जो देखना चाह रहा था कि हिंदुस्तान की कौन अच्छा था, मतलब अदर देन सलमान, शाहरुख वाज प्रीटी गुड, एवरीवन नेम एवरीवन, कैटरीना कैफ, लाइक दीदी आपकी, शी इज लाइक माय सिस्टर, शी इज लाइक, आई न्यू हर राइट फ्रॉम द वर्ड गो, सो आई हैव सीन अ स्ट्रगल. शी वाज लाइक योर, वेल, भाभी एसेंशियली, बिकॉज़ शी वाज सलमान खान्स गर्लफ्रेंड. या नो, आई डोंट, शी इज, आई यूज्ड टू कॉल माय सिस्टर. या टुगेदर यू आर द प्रॉब्ली द फर्स्ट गाय हु कॉल्ड मी सिस्टर.
So, I said, obviously, who's going to call your sister here? So, अच्छा भी लगा होगा actually. हाँ, हाँ. तो मैंने उसकी struggle देखी कि असीना की, मुझे बहुत अच्छा लगा. She's very focused, over-focused at times. So, बहुत अच्छा लगता है मुझे उसे मिलके. आपकी आजकल WhatsApp पे उनसे बात होती है? नहीं, नहीं, नहीं. क्यों? मैं कभी बॉम्बे में होते तो कभी मिल जाते हैं, तो स्टार स्पोर्ट्स के दौरान ही मुलाकात हुई थी, बिकॉज शी वॉज इन द रिलेशनशिप और समथिंग लाइक दैट. सो इट वाज बॉदर, बिकॉज इंडिया में आप सिर्फ काम ही देखते हो. सो जो मैंने सोचना, मैं समझना चाहता हूँ हिंदुस्तान है क्या, क्या है हिंदुस्तान. हिंदुस्तान को तीन लफ्ज में डिस्क्राइब करें. दे बिल्ड ब्रांड्स, नहीं दे बिल्ड ब्रांड्स, दे क्रिएट अ सिस्टम अराउंड टैलेंट और टैलेंट को यहाँ ले जाते हैं, उसको खड़ा करते हैं बीच में, उसको बीच में खड़ा करते हैं, उसकी अराउंड इंडस्ट्री खड़ी करते हैं. इसे कहते हैं ब्रांड बिल्ड. हमारी जो फ्रेंडशिप है, आवर फ्रेंडशिप विद इंडिया इज सच अ गुड ब्रांड, तो उन्होंने अपने पांव पे ये कुल्हाड़ी क्यों मार ली? इस अच्छे फ्रेंडशिप के ब्रांड को क्यों उन्होंने खराब किया? जरूर जरूर, देखिए टाइम आता है कौमों के दरमियान जहाँ रिफ्ट रहती है. वो कहते हैं जी वो 1942 में जंग लड़ी थी तो वो लड़के फारिग हो गए. वो भाई उनकी हिस्ट्री निकालो, वो 300 साल तक तो खुद आपस में लड़ते रहे. सही, फ्रांस उसको मारता रहा, अंग्रेज उसको मारता रहा, ये उसको मारता रहा. 300 साल लगे टू अंडरस्टैंड दैट आफ्टर अ बिग फाइट देन दे अंडरस्टूड द मैटर. यार मैं ये नहीं चाहता लड़ाई हो, अल्लाह की कसम नहीं चाहता लड़ाई हो, और ये किसी के फायदे में भी नहीं है. सो मुझे जो समझ आई कि हिंदुस्तान क्रिएट अ सिस्टम फॉर द टैलेंट टू टैलेंट टू थ्राइव, वन ही थ्राइव्स इट उसके अराउंड इंडस्ट्री खड़ी करते हैं. अब इसीलिए 25 साल से ब्रांड चल रहा है. 1947 के बाद हमारा हीरो क्यों नहीं? मैं आपको वही पूछने लगी थी, आप थ्राइविंग की बात कर रहे हैं, तो आपके नज़दीक कौन सा क्रिकेटर है इंडिया में जो आप समझते हैं कि ही इज़ यू नो ही इज़ गोइंग टू रियली मेक इट और ऑलरेडी हैज़ मेड इट, और कौन सा क्रिकेटर है पाकिस्तान में जिसको आप कहते हैं कि ये ठीक जा रहा है, बस ये ऐसे ही चलता रहे? Have you haven't had enough with the cricketers? No, but I want to know what Shoaib Akhtar thinks. And our audience wants to. I think, you know, well, Sachin tha, is a great talent. He was just a superb talent. Although you were the first bowler who bowled Sachin Tendulkar out on the first ball. How, what was that moment like? Brilliant, beautiful. Yeah. It was beautiful. I mean, magical. Shakal, you know, it was like, no, it was history. Yeah, it was history, created the history. And उसी दिन से इंडिया ने मुझे हेल्प करना शुरू कर दी थी टू बिकम अ स्टार. उन्होंने कहा कि अगर सचिन को सचिन पहली बॉल में आउट हो गया, सो आई डिडंट वांट रब इट ऑन हिज फेस, बट यू नो सचिन हेल्प मी टू बिकम अ स्टार. विराट है, विराट eventually, I don't know, I'm going to predict this, that he's going to come into politics one day from Delhi side से. This is my मेरी prediction ये है कि शायद आफरीदी भी politics में आएंगे. वो तो शुरू हो गए हैं. शायद आ चुका अभी तक politics. हाँ वही ना. Exactly. हाँ, good luck to him. Good luck to him. ठीक है. Good luck to him. आप आएंगे? मुझे यार, I'm politically very incorrect. No, but you know, I know कि आपके icon खान साहब आपके icon भी रहे हैं. You know, I loved him as a cricketer. Yeah. I only loved him as a cricketer. Yes. Okay. I followed him because अगर वो ना होता तो मैं cricket ना खेलता. हम ना गलियों में भागते, इमरान खान बनने की कोशिश करते. इमरान खान तो नहीं बन सकते, बकार यूनुस बन जाता. बकार यूनुस भी नहीं बने, शोएब अख्तर बन जाओ. सो ट्रांजिशन थी. मुझे क्योंकि खान साहब का मैंने जिक्र किया, तो सरफराज नवाज साहब बिग एस, उन्होंने तकरीबन अब 30 साल पहले एक इंटरव्यू में कहा कि जब वो टूर पे गए थे, क्रिकेट खेल रहे थे और खान साहब भी टीम में होते थे, तो मैचेस के इन बिटवीन वो पब जाया करते थे. तो पब जाते थे तो उन्होंने ना सरफराज साहब ने एक राउंड ऑफ ड्रिंक्स सबके लिए ख़रीदा. तो उन्होंने कहा कि मैं ड्रिंक्स सब वास्ते कर ले रहा, तो इमरान अगला राउंड तू लेना है. तो खान साहब ने कहा मैं तो मिल्क पीना. उन्होंने कहा तो आप भी मिल्क पीते हैं जब आप जाते हैं, आप सबको मिल्क पिलवाते हैं. I don't kiss and tell about my incidents. Okay. I told you I'm going to dodge my questions. Okay. So now I go out, I do parties, you know, I made sure that I had a great time in my life. I did that. I did all of that. मैं पहले आया रूहानियत की तरफ. अब नाउ आई गोना टेल यू द रियल साइड ऑफ मी जो लोगों ने बहुत कम सुनी. ठीक है. मैंने एक्चुअली सियासत और शरीयत पढ़ी और तरीकत पढ़ी है. किससे? उलमा से. अच्छा. मैंने पढ़ी नहीं. मैंने बहुत सारी जिल्दें सियासत की पढ़ ली हैं, शरीयत भी और तरीकत भी पढ़ी हुई है. ओके. फिर मैं 15 साल तक ये पढ़ते 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 16 साल तक वज़ाइफ़ किया. मैं खुद नक्शबंदी से सिलसिले का हूँ. अच्छा. और मतलब सूफी जो. हाँ, सूफी 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 सूफी. तो उससे मुझे काफ़ी चीज़ें मिली. फिर दुनिया का मेला शुरू हो गया, फिर हम गुम हो गए. कितने दुनिया में मेला?
16 till 36. Okay. In between, you know, so ups you and downs. Your life. Yeah, yeah, yeah. I made sure that this part of the world I have to see. आपने एक इंटरव्यू में कहा वसीम भाई कहते हैं ना साबुन को आपने कहा कि हमने तमीज सीखी आपने कहा इसका क्या मतलब है आपने कहा जो क्रिकेटर्स आते हैं उनको तमीज सीखनी पड़ती है तो जरा बताएं व्हाट डज दिस मीन इवॉल्व कैसे होते हैं कुछ लोग रुक जाते हैं थक जाते हैं वो कहते हैं जी कि हमने इसे आगे नहीं जाना हमने रुक जाना हमने सिडनी में भी कढ़ाई खानी क्यों लेट्स गो आउट लेकिन ये मैं भी जब कैलिफोर्निया में होती हूँ ना तो मैं निहारी और हलीम खाती हूँ वो तो कढ़ाई तो नहीं लग सकती नहीं यार वो देश के लिए यार Why? नहीं, क्यों let's go out in a nice somewhere. Yeah. You know, let's have a nice dinner. You know, talk about the cuisines and you know, want to get educated what you're eating, what you should not be eating. You What's know, what your is favorite food? Seafood. Oh, prawns and... Yeah. Everything about the sea, I love it. Okay, so you like Everything. Karachi? I love Karachi. अभी मैं जा रहा हूँ तो सारे रेस्टोरेंट बुक कराए हुए हैं उकरा समेत सारे सब भाई हमें खाना ही खाना है आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की बात आप मैं एक्चुअली मैंने फिर पढ़ने के बाद मैं क्रिकेट में आया एक्चुअली मुझे जिस मैं ये नहीं कह सकता दावे के साथ मुझे असल दीन पता है आई एम वेरी क्लोज टू इट जिसमें सांस लेने की इजाजत है बिल्कुल और सांस लेने दो की भी इजाजत है और बड़ा मजेदार दीन है हमारा बड़े ही मजेदार सो हमारे बड़े जो हैं कमाल शख्सियत गुजरी आपने ये बात की स्पिरिचुअलिटी की आपकी रिंग भी स्पिरिचुअल कोई ये इमाम अली अकबर सरकार अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए घोड़े से तो मैं वहां से उनके मुझे मेरे बहुत फेवरेट है वो आप अलैहिस्सलाम की शक्ल मुबारक शबीए रसूल हैं और वो मांगी ये दुआ जैसे मौला अब्बास को मांगा गया इस तरह सरकार को भी मांगा तो मेरी उनसे खास खास उनसीयत है तो जहाँ आप घोड़े तशरीफ लाए जहाँ इमाम अली सरकार बैठे हैं बेटे बैठे हैं तो बर्छी निकालेगी उनके जिगर से जी तो लंबा एक वाक्य लेकिन मैंने वहां से उनकी अकीदत से ये उठाई ये ऑरेंज थी अब रेड हो गई ये ऑरेंज थी रेड हो गई अकीक तो नहीं कहते ये अकीक हाँ। तो ये मैं खुद मौला पाइन तंबाक का बड़ा मानने वाला हूँ मुझे मैं अभी करबला से हो क्या और मुझे इसादत नसीब है कि मुझे करबला का खादम मुंतखब कर लिया और मुझे कार्ड शर्ट बना दिया एक्सपीरियंस कैसा था आपका ब्यूटीफुल मौला अली सरकार की तरफ तो बड़ा सुकून है जी। करबला में बड़ी सख्ती है गिरियाजारी है सख्ती है इट्स टफ प्लेस यू नो करबला इज नॉट इजी करबला इज नॉट टू रिलैक्स इट इज टू यू नो इट इज टू प्लेस देयर टू क्राई गिरियाजारी करना पड़ती है आपको मातम करना पड़ता है सो मैं वहाँ गया और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया फिर मैं सारे अम्बिया इकराम की कब्रों में गया मैं फिर जुनेद बगदादी सरी सख्ती बैलोल दाना यूशब नू से लेके फिर मैं आगे चलता गया सारे आप अकेले गए थे मैंने औलिया इकराम के बारे में बहुत पढ़ा हुआ तो सरकारों के बारे में बहुत पढ़ा फिर पंच तंपाक के बारे में बहुत पढ़ा हुआ फिर मैंने अबुल इस्लाम के साहब इकराम को मिलता है शुएब टू डू ऑल ऑफ दिस रीडिंग मतलब आपका आपके यूट्यूब चैनल पे माशाल्लाह 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यू नो यू डू कमेंट्री आप कोचिंग करते हैं आपको इतना टाइम कहाँ से आता है कि आप डिसिप्लिन्ड है आपके मैनेजर आपको हर वक्त कह रहे होते हैं कि नहीं ये तो अभी मेहताद अभी आया उसने काम खींच के मेरे सीधा किया वो बाल छाल मेरे कपड़े से पहना देता बट अदरवाइज आई वाज वेरी मलंग टाइप नहीं मैं बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल फारिग हूँ आजकल पाकिस्तान मुझसे कोई काम नहीं कराना चाहता ना मुझसे कोचिंग कराना चाहते हैं ना मुझसे सिलेक्शन कराना चाहते हैं माशाल्लाह बिल्कुल फारिग हूँ मैं सुबह उठता हूँ जिम करता हूँ आता हूँ आदर देखता हूँ काम है उनका कोई काम नहीं खाना खाए सो जाए सो जाता हूँ अल्लाह ही कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा सो माशाल्लाह मैं बिल्कुल फारिग करके बिठाया हुआ पाकिस्तान अब मुझे बताएं जो रुबाब हैं मुझे कहीं नजर नहीं आती वो डज शी नॉट लाइक आई एम मैरिड टू अ मौलवी जी टिपिकल और ना टीवी पे आना पसंद करती है शी लव्स ट्रैवलिंग शी लव्स ट्रैवलिंग ओके एंड आई से आई एम गोना मेक श्योर दैट यू नो वी कंप्लीट आवर फैमिली या आई ट्रैवल द फैमिली आपकी कंप्लीट है माशाल्लाह दो लड़कियां आपके दो लड़के हैं जी नहीं बाजी शी वांट्स मोर ओके ग्रेट अल्लाह ने अगर हमें ब्लेस्ड किया विद मोर किड्स सो वी विल हैव दैट इंशाल्लाह वी बोथ आर्म्स ओपन बट you know she likes traveling would like to travel yeah aur hum explore karna chahte hain main zara khule dil ka banda you know it's so nice kyunki aapne kaha aap khud liberal progressive insaan hai to aap unko bhi unke sath bahut relaxed hain aur wo karti hain apna kaam karti hain aap koi sawal jawab kam nahi hote zyada I think I met with the most friendliest girl that I've ever could come wonderful. across I think I'm blessed with the women that you know a girl not a woman girl
यू नो को मुझे तंग नहीं करती, कुछ भी नहीं कहती, खाना है खा ले, सोना है सो जाए, but we have to go out together. Success का formula ही ये है, you give each other space and you live and let live. हाँ. मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह you're such a huge name, अभी तक आपका record किसी ने नहीं तोड़ा. अब जब वालिद किसी के बहुत बड़े हों तो अक्सर वो कहते हैं अपने बच्चों को कि तुम इस फील्ड में ना आओ. अब आपके जो दो बेटे हैं वो आपको आइडलाइज़ करते हैं, आपको टीवी पे देखते हैं, आप जहाँ जाते हैं लोग आ जाते हैं सेल्फीज़ लेने. तो अगर मुजद्दद साहब और मिकाइल साहब क्रिकेट में आना चाहें और बॉलिंग में आना चाहें, हाँ, तो आप उनको क्या कहेंगे? उनको दो चीज़ों की इजाज़त होगी जिसमें कभी आपने रुकना नहीं, एक सच बोलने की और एक गलती करने की. ब्यूटिफुल. जो दिल करता है कर, गलती होगी हाथ खड़ा कर, गलती होगी डैडी बाबा कहते मुझे बाबा गलती होगी माफ, दैट्स इट. बट क्रिकेट में आप चाहेंगे वो, क्रिकेट में जो दिल करता है कर, अच्छा जो दिल कहता है वो कर, कोई प्रेशर नहीं है. बाप तेरा फेमस था, तू कुछ भी ना हो तू मेरा बेटा है. अगर वो सिंगर बनना चाहे वो प्लीज गो फॉर इट, ब्रिलियंट. मुझे लगता है वो फिल्म स्टार ही बनेगा जितनी खूबसूरत शक्ल है उसकी. स्वीट. तो जो दिल करना है बने उसने, मुझे कोई मतलब है. दीन मैं पढ़ा दूंगा, सही वाला दीन पढ़ा दूंगा, उसको तारुफ करा दूंगा और उसको एजुकेशन दे दूंगा, उसको तरबियत कर दूंगा, सच बोलना सिखा दूंगा और आप इस्लाम मौला पंचतन पाक की तारुफ करा दूंगा और उसको लेके जाऊंगा. मैं उसको जो तीन चार चीज़ें कराना चाह रहा हूँ मिकाइल मुजद्दद को, और अगर अगला बेटा हुआ तो इंशाल्लाह उसका नाम इमाम अली अख्तर रखूँगा. तो मैं अगर हुआ तो उसको मैं वाइल्ड लाइफ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ट्रैकिंग की है. मैं खुद वाइल्ड लाइफ का बहुत बड़ा शदाई हूँ, ठीक है जी. मुझे ट्रैकिंग करनी है, मुझे जानवरों के पीछे जाना है, मुझे ये भी पता है वाइल्डबीस्ट घास की टिप खाता है, फिर उसका मिडल वाला ज़ेब्रा खाता है, फिर जड़ वाला हिरन खाता है, उनकी आंखें इसलिए ऊपर होती हैं, ये कलर ब्लाइंड है ज़ेब्रा, अच्छा जी ये नाइट विजन वाले हैं, इनको इस तरह नजर आता है. शिकार का शौक है? ना 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 ना, प्रिजर्वेशन सर, शिकार नहीं. शोएब यू आर सच अ मॉडर्न मैन. नो नो, आई डिडंट नो यू आर सच अ मॉडर्न मैन. मुझे बहुत काली का भला तरह से प्रोटेक्ट किया गया दुनिया में. हाँ मतलब सब मुझे वाइल्ड लाइफ के साथ बहुत, मुझे बिग कैट के साथ बहुत उनसे. इस्लामाबाद में तो लेपर्ड्स देखे होंगे आपने? लेपर्ड जब तक मैं ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ, कॉलर बोन्स कह रहा हूँ, रेडियो कॉलर्स बनाना चाह रहा, ताकि ट्रैकिंग हो सके. जाते कहाँ हैं, खाते क्या हैं, डाइट क्या है उनकी, क्या मैनेटर तो नहीं बन रहे, मैनेटर तो है नहीं. रॉयल बंगाल के साथ मैंने काम किया हुआ सुंदरबन में, वो डीप इन द 2500 ऑफ आयरलैंड में मैं गया हूँ अंदर, तो 25 साल पुराना मंदिर. वो मैं अंदर ऑब्वियसली नहीं गया, आई वॉज पेइंग रिस्पेक्ट कि यार मुसलमान अंदर चला जाए, तो वो हिंदू पूजा वगैरह कर रहे थे, मैं बाहर खड़ा था, मैं जी मैं देखना चाहता हूँ ये 2500 साल पुराना है. जी हाँ जी. अच्छा तो मैंने जो माइग्रेशन होती है मसाई मारा से जी टूवर्ड्स मारा रिवर टू सेरेंगेटी, ये 500 किलोमीटर का एक फेरा होता है. सो आई ट्रैक दैट, I went for safari with a lot of animals. It's 1.2 million. आप अकेले गए थे या friends के साथ? नहीं, पूरी National Geographic team थी. Oh, so did you? Unofficially, I was working with that because I was touring with Pakistan. Okay. So, मैं इसलिए पहले तो बता रहा हूँ. सही. उनको बताया नहीं. So मैं इसलिए भाग जाता हूँ, समझो clubbing में party हटी कर रहा होगा. आप जाके animals के पीछे जा रहे थे? Animals के साथ था मैं. Most of the time मेरा जो time गुजरा है रातों को वो hospitals में गुजरा है खेलते वक्त. तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे लोगों के, आई वाज पार्टिंग, आई वाज नॉट डिसिप्लिन. मैं जो दिल में होता है वो जुबान पे होता है, वो कह देता हूँ. लोगों के फ़ायदे की बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितना फ़ायदा हो सके पहुँचाएँ. हमारे बच्चे जो क्रिकेटर्स हैं वो तंग ना हो, वो हिंदू है मुसलमान है. हमारे राजेश थे मेरे ड्राइवर थे, तो वो सुबह 5 बजे आते थे मुझे छोड़ने, तो मुझे 5 बजे लेने आते थे, फिर वो रात को 10 बजे आते थे. मैं राजेश भाई आप कहाँ रहते हो? तो कहते मैं नई मुंबई रहता हूँ. राजेश भाई वो तो बहुत दूर है. कहता भाई वो तकरीबन लग जाता है 3 घंटे इधर 3 घंटे उधर. मैं राजेश भाई फिर आप 12 घंटे तो मेरे साथ रहते हो. सही. तो मैंने पहली दफा कोड ऑफ कंडक्ट तोड़े स्टार स्पोर्ट्स के. सो आई व्हाट आई डिड कि मैं हिंदुस्तान से पैसा कमा रहा हूँ. क्या कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा आपने? कि आप किसी को अपनी सैलरी नहीं दे सकते विद इन द कॉरपोरेशन. तो मैंने कहा भाई ये बात सुनो, अब मैंने चोरी छुपे सबको 150-200 बंदों को इकट्ठा किया स्टार स्पोर्ट्स का. अब मैं पहले दो बता रहा हूँ अगेन. मैंने इकट्ठा किया, कह राजेश भाई आपकी तनख्वाह कितनी है? कहता भाई 15,000. मैं राजेश भाई इसमें बनता क्या होगा, 20 बच्चों क्या होगा, नई मुंबई से आप आते हो और 12 घंटे आप मेरे साथ. कहता भाई ऐसी जिंदगी है. मैंने कहा नहीं, आप जितनी तनख्वाह है उसका डबल मैं करता हूँ या ट्रिपल करता हूँ. मैं 150 बंदों को किया
150 बंदों को लिया, आउट ऑफ पॉकेट दिया उनको, मेरी जो सैलरी थी उसका मैंने कोड बना लिया था कि मैं 30% इंडिया में छोड़ दिया, मैं 25% टैक्स दूंगा और 30% में छोड़ के आऊंगा, ताकि ये हिंदुस्तान को ये ना लगे कि यार यहाँ हमारे से कमाता है और हम पे लगा के नहीं गया, तो मेरा कॉन्शियस क्लियर होना चाहिए था, तो मैं पैसे वहीं छोड़ के आया। अंजाम से लोगों को पहचान नहीं यार मेरा, जिस लोगों के अंजाम ठीक नहीं हुए वो मुझे कभी उनकी जिंदगी में ठीक नहीं लगी। Where does rumor about yourself? सारी rumors. केड़ा सब तो अजीब और गरीब है। I asked Meera ji to marry me.